नमस्ते, मैं प्रतिभा सेठी, आपके टैरेट कार्ड रीडर एंड काउंसलर, एस्ट्रो पॉइंट पश्चिम विहार न्यू दिल्ली से। आज हम बात करेंगे जो शनि डायरेक्ट हो रहा है एक्वेरियस में, उसका सबके लग्नों पे क्या असर पड़ेगा। तो इसके लिए मैं अपने स्टूडियो में बुलाना चाहूंगी रेनाउंड सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर सुमित सेठी। तो आइए सुमित, आपका हमारे स्टूडियो एस्ट्रो पॉइंट में स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, राम राम, सत श्री अकाल। मैं सुमित सेठी, आपका एस्ट्रोलॉजर फ्रेंड पश्चिम विहार दिल्ली से। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज है 4th ऑफ नवंबर मंडे, और ये वीडियो अपलोड होगी 7th ऑफ नवंबर 2024 थर्सडे को, और ये शनि डायरेक्ट की वीडियो है। शनि जो डायरेक्ट हो रहा है एक्वेरियस में 11 नंबर में, इंडिया के 10th हाउस में, 15 नवंबर से लेकर 29 मार्च तक है ये। तो आज हम बनाएंगे चार लग्ना, हम चार चार लग्ना की तीन कुंडली बनाएंगे ताकि आपको समझने में इजी हो। डिटेल में बताएंगे हम जितना हो सके, और ये इंडिया की कुंडली आज तक के प्लानिटरी कॉम्बिनेशंस है। तो ये पॉइंट्स मैं पढ़ देती हूँ। शनि जो है डायरेक्ट हो रहा है 29th, शनि डायरेक्ट आफ्टर 29th जून को होगा फ्रॉम एक्वेरियस। शनि एस्पेक्ट एरीज, लियो एंड स्कॉर्पियो। शनि यहां से देखेगा अपने थर्ड एस्पेक्ट से एरीज से, एरीज को, सेवेंथ एस्पेक्ट से देखेगा सेवन दृष्टि से लियो को, सिंह को, और अपने टेंथ दृष्टि से देखेगा स्कॉर्पियो वृश्चिक को, 8 नंबर को। ऑनली जुपिटर स्टेज रेट्रो फॉर अ लॉन्ग टर्म। अभी जुपिटर रेट्रो ही रहेगा काफी लंबे टाइम के लिए अभी। फाइनली रॉकिंग न्यूज फॉर द ग्लोबल पीस एंड ओवरऑल बिजनेस। अब जो है ये न्यूज अच्छी है जो ये शनि डायरेक्ट हो रहा है पूरे ग्लोब के लिए, शांति आएगी और बिजनेस के लिए भी अच्छा है। स्टॉक मार्केट स्टार्ट रिकवरी, स्टॉक मार्केट जब रिकवरी होना स्टार्ट होगी उसकी, स्पेशली मेटल में, ऑयल में और रेलवे स्टॉक्स में। इंडिया जीडीपी टू गो अप। दोस्तों ये वो वाला चेंज आ गया जिसकी हम लोग कब से बात कर रहे थे दोस्तों, 29 जून को ये दोस्तों हुआ था रेट्रोग्रेड। 29 जून को दोस्तों रेट्रोग्रेड हुआ था, यानी कि यहाँ पे दोस्तों आर लिखा हुआ था, तो काफी ज्यादा नेगेटिव था दोस्तों, ओवरऑल ग्लोबली काफी नेगेटिव था, स्टॉक मार्केट के लिए दोस्तों काफी नेगेटिव था। दोस्तों जिस दिन हम लोग वीडियो बना रहे हैं 4 तारीख का दिन है मंडे, करीब दोस्तों 12:30 बजे का टाइम है अभी दोस्तों, और इस समय स्टॉक मार्केट करीब अगर हम निफ्टी की बात करें 400 पॉइंट दोस्तों नीचे गिरी है। तो आज बहुत बड़ा क्रैश हुआ दोस्तों, प्रोबेबली कल मंगलवार को, वीडियो दोस्तों आप लोग बाद में देखोगे बट हम लोग पहले शूट कर रहे हैं, मंगलवार यानी कि 5 तारीख को यूएस के इलेक्शन भी है, तो प्रॉब्ली वो भी एक रीजन हो सकता है पैनिक सेलिंग का। तो दोस्तों हम लोगों ने तो कई बार वीडियोस बनाई है अपनी की जिसमें बात की थी कि स्टॉक मार्केट जो है कि मेटल स्टॉक, काफी लंबी सीरीज है दोस्तों, मेरे चैनल पे भी है, यूट्यूब पे भी है, फेसबुक पे भी है, इंस्टाग्राम पे भी है, तो आपने देखा होगा। तो दोस्तों वो सब चीजों में राहत मिलने का टाइम आ गया। तो शनि 11 नंबर में है अपनी ही राशि में दोस्तों, डायरेक्ट हो जाएगा दोस्तों, अब तक आर लिखा हुआ था, आर खत्म हो जाएगा दोस्तों। और दोस्तों इसका असर आने वाले महाराष्ट्र चुनाव पे भी दोस्तों पड़ेगा, झारखंड चुनाव पे भी इसका दोस्तों असर पड़ेगा, और हमने इसकी दोस्तों वीडियो बना रखी है। और सो रेट्रोग्रेड का जो यूएस इलेक्शन के दौरान रहेगा उसका भी दोस्तों असर पड़ेगा, उसके भी दोस्तों मेरी पूरी सीरीज है, मीन्स 3 दोस्तों वीडियो है उसकी, कमला हैरिस की, जो बाइडेन की और डोनाल्ड ट्रंप की दोस्तों, उसमें मेरे अपना बर्थडे आपको बता रखें। तो 29 जून के बाद दोस्तों शनि पहली बार डायरेक्ट हुआ, तो ये बहुत बड़ा चेंज दोस्तों 2024 का। तो अब एक पेजेस यानी कि 11 नंबर में दोस्तों शनि का जो एस्पेक्ट जाएगा दोस्तों, अब जो शनि का एस्पेक्ट होगा वो पॉजिटिव एस्पेक्ट होगा, मतलब नेगेटिव होगा पॉजिटिव तो कुंडली डिपेंड करती है, बट रेट्रोग्रेड मोशन से बाहर आने पे दोस्तों इसकी जो जो पॉजिटिविटी है दोस्तों वो बढ़ेगी, नेगेटिविटी दोस्तों कम होगी। तो इसका जो पहला एस्पेक्ट जाएगा, थर्ड एस्पेक्ट दोस्तों होगा इसके ऊपर दोस्तों, मेष राशि के ऊपर यानी कि अपनी नीच राशि पे दोस्तों, ये होगा दोस्तों इसका मेष हो गया आपका थर्ड एस्पेक्ट, तो यहाँ पे आ गया इसका थर्ड एस्पेक्ट। सेवंथ एस्पेक्ट जाएगा 5 नंबर पे, तो 7th एस्पेक्ट हो गया लियो, और दोस्तों 10th एस्पेक्ट जाएगा वृश्चिक पे दोस्तों, 10th हो गया एस्पेक्ट दोस्तों। इसके 3 एस्पेक्ट होते हैं, 3rd, 7th और 10th, तो तीनों एस्पेक्ट दोस्तों इसका जाएंगे, हम अगर आप नोटिस करेंगे मेष राशि पे दोस्तों, सिंह राशि पे, वृश्चिक राशि पे, और दोस्तों इंसिडेंटली जिसमें 2 राशियां मंगल की है, दोनों ही एनिमिक राशि है दोस्तों, 1 राशि सिंह राशि सूर्य की, तो वो भी एनिमी राशि ही है, तो कुल मिला के नेगेटिव राशियों में इसका एस्पेक्ट जाएगा दोस्तों। अगले साल 29 मार्च में दोस्तों शनि मूव करके 12 नंबर में आ जाएगा, तो दोस्तों इसकी काफी ज्यादा बेटरमेंट हो जाएगी। जब इसका एस्पेक्ट नंबर 2 पे होगा दोस्तों काफी प्रॉपर एस्पेक्ट होगा, फिर दोस्तों इसका जो एस्पेक्ट होगा 6 नंबर पे होगा दोस्तों, वो भी फ्रेंडली साइन है दोस्तों, 9 नंबर में दोस्तों गुरु का भी न्यूट्रल साइन है, तो अगले 3 एस्पेक्ट जो होंगे दोस्तों जो गौजा के बाद वो बहुत पॉजिटिव होंगे। तो अब अगर आप नोटिस करेंगे शनि डायरेक्ट हो गया अब लंबे प्लेनेट में से दोस्तों, अब दोस्तों बुध का भी रेट्रोग्रेड का टाइम आ गया, बट वो छोटे टाइम 20 दिन के लिए होता है दोस्तों। दोस्तों गुरु हो शनि 5-5, 6-6 महीने के लिए दोस्तों रेट्रोग्रेड मोशन में रहते हैं, अब दोस्तों केवल गुरु दोस्तों रेट्रोग्रेड मोशन में रह चुके हैं जो कि फरवरी 2025 तक चलने वाले, तो ये तो दोस्तों ऑलमोस्ट पॉजिटिव ही चेंज रहने वाले गुरु रेट्रोग्रेड।
तो अब क्योंकि शनि डायरेक्ट हो चुका है दोस्तों, ग्लोबली हम लोग बात करके देखें तो थोड़ी सी अब शांति लौटना शुरू होगी। जो रिसेशन वाला टाइम था दोस्तों वो उसमें थोड़ा खात्मा होगा दोस्तों। जो ग्लोबल कोल्ड काइंड ऑफ कोल्ड टेंशन थी, कोल्ड वॉर जैसी दोस्तों सिचुएशन थी दोस्तों, उसमें हमें अब शांति मिलना शुरू होगी। तो दोस्तों ओवरऑल बेटरमेंट होगी, बिजनेस दोस्तों बढ़ेंगे वर्ल्ड ओवर दोस्तों, स्टॉक मार्केट दोस्तों बढ़ेंगे वर्ल्ड ओवर दोस्तों, जीडीपी बढ़ेंगे ग्लोबली। कंट्रीज की जो रिसेशन में जाना चाह रही थी कंट्रीज जा सकती थी इनफैक्ट, तो उनको दोस्तों कहीं ना कहीं यहाँ पे आराम मिलेगा। तो दोस्तों तो ट्रेन डिरेलमेंट की बात करें सर की दोस्तों चीजें वो कहीं ना कहीं दोस्तों ठहरा आएगा उसके अंदर। दोस्तों स्टॉक मार्केट की बात करें, अगर हम इंडिया की बात करें दोस्तों, उसमें बेटरमेंट होगी खासकर दोस्तों मेटल, ऑयल और रेलवे स्टॉक्स के अंदर, एनर्जी स्टॉक के अंदर दोस्तों, इसके अंदर काफी ज्यादा बेटरमेंट होगी। बिकॉज अब तक दोस्तों शनि इन्हीं को रूल करके चलता था। कोल इंडिया की बात करें, ऑयल इंडिया की बात करें, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की बात करें, एचपीसीएल की बात करें, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात करें, रेलटेल की बात करें, ऐसे शेयर जो शनि से रूल्ड आउट है दोस्तों, आप नोटिस करेंगे। और दोस्तों हमने बताया था कि जो लोग हमसे स्टॉक मार्केट के लिए टिप के साथ जुड़ना चाहते हैं दोस्तों, वो भी हमें कांटेक्ट करके चल सकते हैं। तो हम उनपे दोस्तों रेगुलरली उनके स्टॉक मार्केट की उनको टिप्स या स्टॉक मार्केट की उनको दोस्तों बातें बताते रह सकते हैं आपके कुंडली के अकॉर्डिंगली। और ओवरऑल भी तो जो लोग जुड़ना चाहते हैं उससे जुड़िए, हमने अपनी पिछली वीडियो में भी दोस्तों बात बोली थी आपको। तो अब क्योंकि ये 10,000 इंडिया की बात करें तो इंडिया का दोस्तों करियर हाउस बनते हैं, इंडिया का प्रोफेशन हाउस बनते हैं, हिंदुस्तान का दोस्तों अगर आप मान के चले सरकार का भी हाउस बनता है। 10,000 दोस्तों सरकार को भी डिनोट करता है, तो सरकार भी यहाँ पे मजबूत होगी, इंडिया की जीडीपी बढ़ेगी दोस्तों। क्योंकि दोस्तों शनि का एस्पेक्ट जाएगा यहाँ पे 12th हाउस पे, तो जो बाहरी मुल्क है दोस्तों हमारे, जो बाहरी देश हमारे, उनके साथ दोस्तों रिलेशनशिप बेहतर होने वाले हैं यहाँ पे। इंडियन एक्सपोर्ट की बात करें, इम्पोर्ट की बात करें, तो वो सब में दोस्तों कहीं ना कहीं काइंड ऑफ बैलेंस मेंटेन होगा, एक्सपोर्ट बढ़ेंगे यहाँ पे। तो ओवरऑल इंडियन एज अ कंट्री के लिए दोस्तों, भारत देश एज अ देश के लिए दोस्तों काफी ज्यादा बेटरमेंट होगी, भले वो केंद्र सरकार की बात करें और बाहरी देशों के साथ दोस्तों हमारे ताल्लुकात की बात करें, तो ये एक काफी बड़ा चेंज रहने वाला है दोस्तों। और शनि दोस्तों डायरेक्ट होने से अब तक जो मौसम में दोस्तों बहुत ज्यादा गर्मी चल रही थी, मौसम में एक काइंड ऑफ यू पॉल्यूशन भी बहुत ज्यादा चल रहा था, उसमें दोस्तों कहीं ना कहीं ठहरा होगा। अब दोस्तों हम लोग ठंड नॉर्थ की बात करके देखें, तब नॉर्थ में ठंड बढ़ना शुरू होगी। शनि पश्चिम को डिनोट करता है दोस्तों, पश्चिम यानी कि महाराष्ट्र की बात करें, गुजरात की बात करें, राजस्थान की बात करें, तो वहां भी अब ठंडक का माहौल दोबारा से शुरू हो जाएगा। बिकॉज शनि ठंड को डिनोट करता है, रात जल्दी होना शुरू होगी, अंधेरा जल्दी पड़ना शुरू होगा, शनि अंधकार को डिनोट करता है। और जो बहुत सारे लोग, उनको शनि रिलेटेड डिजीज थी, क्रॉनिक डिजीज थी, आर्थराइटिस की दिक्कत थी, ज्वाइंट पेन थी, नीज में दिक्कत थी, क्रॉनिक डिजीज थी, शुगर की दिक्कत थी, यूरिन इश्यूज थे, इस तरह की दोस्तों चीजें थी, उनको भी यहाँ पे कहने का आराम मिलेगा बिकॉज शनि यहाँ पे पॉजिटिव हो चुका है। तो ओवरऑल दोस्तों बहुत बड़ा चेंज 2024 का, सबसे बड़े चेंजेस में से एक चेंज। और जो स्पेशली आपको 2 महीने बचे, 1.5 महीना बचे, और दोस्तों आपको मालूम है कि 2024 का जो टोटल आता है वो आता है 8, और दोस्तों 8 नंबर भी शनि का होता है, यानी कि बाकी का जो 1.5 महीना बचा वो थोड़ा पॉजिटिव ही रहना चाहिए, नेगेटिविटी कम होनी चाहिए। चलिए फ्रेंड्स, ये सब पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए, तो हम सीधा लग्ना पे आते हैं। चलिए फ्रेंड्स, जिंदगी में होना है सफल तो जुड़िए एस्ट्रो पॉइंट्स सुमित सेठी से, मुश्किलों को दूर करना अपनी लाइफ से तो भी जुड़िए एस्ट्रो पॉइंट्स सुमित सेठी से, नंबर आपकी स्क्रीन पर है। आप चाहें तो मैं कॉन्टेक्ट कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए, पर्सनल वीडियो के लिए, ईयरली रिपोर्ट के लिए, कि आने वाला आपका टाइम कैसा है। ये तो है जनरल, बाकी आपकी कुंडली और दशा मैटर करती है कि आने वाला आपका टाइम कैसा है। तो फोन उठाइए और अपना अपॉइंटमेंट बुक कीजिए, नंबर आपकी स्क्रीन पर है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट नंबर एरीज मेष लगन, मंगल की राशि इनके लिए कैसा रहेगा? दोस्तों एरीज यानी मेष, मेष यानी कि मंगल की राशि दोस्तों, मंगल अभी भी दोस्तों आपका नीच का दिखे नंबर 4 में जनवरी तक रहेगा, तो इसका दोस्तों अभी कोई फर्क इससे तो हम लोग नहीं पार पा सकते। बट दोस्तों शनि आपके चार्ट में प्रोफेशन का और इनकम का लॉर्ड बनता है, गेन्स का लॉर्ड बनता है दोस्तों, उसका पॉजिटिव हो जाना बहुत बड़ी बात। और दोस्तों क्योंकि आपके अपने ही लगन को देख रहे हैं दोस्तों, एरीज को देख रहे हैं, तो आपके लिए दोस्तों जो अब तक अड़चने चल रही थी, थोड़ा सा दोस्तों जो कह रहे थे कि हम लोग चीजें स्लोनेस चल रही, स्टैग्नेशन चल रही, उसमें दोस्तों आराम मिलेगा। हेल्थ में डिप्रेशन की जिनको दिक्कत थी उनको आराम मिलेगा। ओवरऑल दोस्तों काम में दोस्तों, प्रोफेशनली और उसके बाद दोस्तों आपकी इनकम में, दोनों दोस्तों चीजें रिलेटेड है। प्रोफेशन अगर आपका अच्छा होगा, बिजनेस अच्छा होगा, तो आपकी इनकम बढ़ेगी, कैश इनफ्लो बढ़ेगा, तो साइमल्टेनियसली उसमें भी अपने को आराम मिलने वाला। तो कुल मिला के एरीज के लिए दोस्तों बहुत बड़ी खबर, स्पेशली तब जब हम देखते हैं कि शनि का इम्पैक्ट आपके फर्स्ट हाउस में जाने से आपको बहुत ज्यादा डेंट पड़ के चल रहा था। तो ओवरऑल हेल्थ और वेल्थ दोनों चीज दोस्तों लाइफ के हमारे एस्पेक्ट बहुत ज्यादा सुधरेंगे, मतलब बिंदास काइंड ऑफ अ चेंज दोस्तों हम लोग इसे कह के चल सकते हैं। पेट की समस्या की बात करें, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की समस्या की बात करें दोस्तों, उसमें भी दोस्तों आराम है, क्योंकि अब दोस्तों 2 दिन बाद सूर्य भी नीचा से बाहर आ जाएगा, तो और ज्यादा अपने को फर्क पड़ेगा। उसकी वीडियो दोस्तों हमारी अगली रहने वाली है। चलिए एरीज मेष का भी हो गया। चलिए फ्रेंड्स, जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया और जल्दी से कर दीजिए, बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जैसे ही वीडियोस अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन आ जाए और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। तो हमारा चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो शेयर एंड कमेंट करके बताइए आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती है। हमारी वीडियोस अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर कीजिए।
तो स्टार्ट करते हैं। सेकंड नंबर टॉरस वृषभ, शुक्र की राशि दोस्तों, इनके लिए कैसा रहेगा? इनका दोस्तों आपके सामने प्रिपेयर्ड है चार्ट वाला। दोस्तों शनि देखिए टेंथ का लॉर्ड है, टेंथ हाउस में ही है, मूल त्रिकोण में ही है दोस्तों, केंद्रीय त्रिकोण का लॉर्ड नाइन्थ और टेंथ का लॉर्ड टेंथ हाउस में डायरेक्ट दोस्तों, बहुत बड़ी बात दोस्तों, इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता। सो नाइन्थ हाउस ब्लेसिंग का, टेंथ हाउस करियर का, दोस्तों दोनों चीजें हमारे साथ यहाँ पे चलेंगी दोस्तों। पिता का आशीर्वाद की बात करें, काम की बात करें दोस्तों, फॉरन सेटलमेंट से लेकर फॉरन में पढ़ाई की बात करें, हायर स्टडीज की बात करें, रिसर्च की बात करें, एचआर की बात करें दोस्तों, एजुकेशन की बात करें तो सब में फर्क, इवेंट्स की बात करें, मीडिया की बात करें, हॉलीवुड की बात करें दोस्तों, अपनी कंट्री से बाहर सोशल मीडिया और मीडिया की बात करें, एंटरटेनमेंट की बात करें दोस्तों, सब में बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाएगा। बस दोस्तों दो दिन बाद क्योंकि सूर्य भी ठीक हो जाएगा और शनि का इम्पैक्ट सूर्य की राशि पे, तो घर के अंदर तो घर की ग्रह क्लेश की बात करें, मन में टेंशन की बात करें, गुस्से, उसमें भी शांति मिलेगी। तो ओवरऑल दोस्तों हम लोग देख के चले, ये बहुत बड़ा चेंज रहने वाला आपके लिए, हर लिहाज से आपके काम में, आपकी इज्जत मान मर्यादा में बहुत फर्क, जिनमें दोस्तों लीगल इश्यूज चल रहे थे उनको भी यहाँ पे आराम मिलेगा। तो बाकी की कुंडली भी अगर आपकी स्ट्रॉन्ग है, कुंडली में दशा आपकी स्ट्रॉन्ग चल रही है, फिर तो कहना है क्या, फिर तो बल्ले बल्ले। तो ओवरऑल दोस्तों वृषभ लग्न वालों के लिए बहुत बड़ी खबर, बिकॉज साइन में चेंजेस नाइन्थ और टेंथ अलाउड होने से आपको ऊपर वाले का आशीर्वाद और आपको अपने कामकाज में बहुत बरकत पड़ने वाली है। मतलब सेकंड नंबर टॉरस वृषभ वालों के लिए तो डबल थम्स अप, बल्ले बल्ले, कोई शक नहीं है इसके अंदर। चलिए अब हम आते हैं थर्ड नंबर जेमिनी मिथुन, बुध की पहली राशि, इनके लिए कैसा रहेगा? दोस्तों मिथुन की बात करें दोस्तों, मिथुन में शनि जो है यहाँ पे फ्रेंडली पैरेट, दोस्तों मिथुन राशि है, मिथुन लग्न दोस्तों बुध का, दोस्तों शनि और बुध परम मित्र है। दोस्तों मिथुन में दोस्तों शनि बनता है एट्थ और नाइन्थ, यहाँ पे दोस्तों 10 नंबर आते हैं, नाइन्थ में 11 नंबर आते हैं, यानी कि भाग्य का लॉर्ड भाग्य हाउस में डायरेक्ट होना, यानी कि भाग्य होते हैं, यानी कि अब तक दोस्तों शनि जो अब तक मार्च 29 तक, जो 29 मार्च तक दोस्तों शनि आपका नाइन्थ हाउस में रहेगा, भाग्य स्थान में रहेगा, आपके धर्म स्थान में रहेगा, तो यहाँ पे आप मान के चले भाग्य वृद्धि होगी, भाग्य में उछाल मिलता है, मीन्स लक में प्रॉस्पेरिटी आती है, लक को इन्फ्लेट मिलती है, लक को इन्फ्लेशन मिलता है, लक इन्फ्लेट होता है दोस्तों, तो ये बहुत बड़ी खबर हो जाएगी। तो यहाँ से हमारा भाग्य स्थान बड़ा, और क्योंकि एट्थ का भी साइमन केनेसली लॉर्ड है दोस्तों, तो जिनकी तबीयत की हम लोग बात करें दोस्तों, जिनकी हेल्थ की बात करें, उनको दोस्तों बहुत फर्क पड़ेगा। जो लोग दोस्तों डेथ बेड पे थे, बहुत ज्यादा भुगत रहे थे दोस्तों, उनको कुछ ना कुछ यहाँ पे उनको बरकत पड़ेगी, या तो उनकी पेन से उनको रिलीफ मिलेगा, या दोस्तों उनकी मुक्ति होगी, जो लोग जाने के लिए तड़प रहे थे। तो ये बहुत बड़ा चेंज दोस्तों, जो अकल्ट के फील्ड के अंदर है, जो योगा में है, मेडिटेशन में है दोस्तों, पूजा पाठ में है, प्रीस्ट है, स्पिरिचुअल गुरु है दोस्तों, उनके लिए दोस्तों यहाँ पे बहुत बड़ी खबर हो जाएगी। तो ये दोस्तों शनि का चेंज, बहुत फैंटास्टिक चेंज, और दो दिन बाद दोस्तों सूर्य भी ठीक हो जाएगा 17 को, तो थर्ड का लॉर्ड दोस्तों सूर्य, उसका भी ठीक होना आपकी हेल्थ को और ज्यादा बेटर करेगा। और बाकी दोस्तों जिनको थाइज में इशूज थे, हिप्स में इशूज थे, एक्स्ट्रा कैलोरीज थी वहां पे, तो वो बर्न होगी, वहां पे हमें फर्क पड़ेगा। तो कुल मिला के मिथुन लगन वालों के लिए दोस्तों बहुत अच्छा चेंज, भाग्योदय का टाइम और भाग्य का साथ मिलने का टाइम। चलिए मतलब इनके लिए भी बहुत अच्छा हर तरीके से, काफी बेटर है। चलिए अब हम आते हैं फोर नंबर कैंसर कर्क, आज का आखिरी लगना, इनके लिए कैसा रहेगा? जैसे कैंसर की बात करके देखे तो कैंसर बनता है आपका सेवेंथ और एट्थ का लॉर्ड दोस्तों, तो सेवेंथ हाउस हो गया पार्टनरशिप मैरिज, तो एट्थ हाउस आपकी एज को डिनोट करते हैं, और सो एट्थ हाउस का ही लॉर्ड, एट्थ हाउस में ही डायरेक्ट शनि जैसा प्लैनेट दोस्तों, वो सभी लोग जो दोस्तों बहुत ज्यादा डीप नॉलेज वाली फील्ड में, साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं दोस्तों, पीएचडी कर रहे हैं, या दोस्तों जिन्होंने कुछ अपने नाम पे मतलब कहते हैं कि ट्रेडमार्क अपने नाम पे लेने, दोस्तों उनके लिए यहाँ पे बहुत बेनिफिट, उससे इंश्योरेंस का पैसा आपने को यहाँ मिल जाता है, गड्ढे के अंदर घुसा हो दोस्तों पैसा मिल जाता है, ससुराल पक्ष दोस्तों बेनिफिट मिल जाता है। और दोस्तों क्योंकि सेवंथ का भी लॉर्ड है, यानी कि पार्टनरशिप में, कमर्शियल पार्टनरशिप हो या मैरिज के बात करें दोस्तों, दोनों में इंप्रूवमेंट, बेडरूम रिलेशनशिप में इंप्रूवमेंट दोस्तों। और दोस्तों अब तक क्योंकि शनि यहाँ पे रेट्रोग्रेड था और उसका इम्पैक्ट सेकंड हाउस पे था दोस्तों, आपकी सेविंग्स कम हो रही थी, आपकी 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 वेल्थ में डाउन आ रहा था नेगेटिव खर्चों की वजह से, उसमें भी दोस्तों रुकावट आएगी, उसमें भी दोस्तों कहीं ना कहीं अब ग्रहण लगेगा, रुकेंगे, यानी कि आपकी पॉजिटिविटी बढ़ेगी, सेविंग्स आपके ऊपर जाएंगे। तो ओवरऑल हम लोग देखते चले दोस्तों, ये भी अच्छे वाला चीज, और उसका इम्पैक्ट आपके फिफ्थ हाउस पे, तो लव लाइफ बेटर, पेट के अंदर बेटर, और जो लेडीज कंसीव कर चुकी थी या कंसीवमेंट की तैयारी कर रही थी, उनको भी यहाँ पे काफी ज्यादा रिलीफ मिल रहा है। तो ओवरऑल डबल थम्स अप है दोस्तों, बस इतना भी अभी ध्यान में देखा जाना कि शनि अभी, सॉरी मंगल अभी भी आपका फर्स्ट हाउस में कहीं ना कहीं दोस्तों नीच का, तो चोट लगने वाली जो बात है दोस्तों, उसमें अभी भी थोड़े से चांसेस बनते हैं, बट ओवरऑल दोस्तों आपकी हेल्थ, आपकी वेल्थ, आपकी मेंटल स्टेटस के लिए और ससुराल पक्ष से बेनिफिट के लिए ये वाला चेंज दोस्तों सुपर फैंटास्टिक, और जो लोग साइंटिस्ट एंड डॉक्टर्स दोस्तों उनके लिए दोस्तों काफी अच्छा टाइम यहाँ पे स्टार्ट होने वाले। अजो जी चलिए चारों लग्नों की बातें हो गई, कैसा रहेगा इनके लिए शनि का डायरेक्ट होना, ये तो है जनरल, बाकी आपकी कुंडली और दशा मैटर करती है कि आने वाला आपका टाइम कैसा है। तो फोन उठाइए और अपना अपॉइंटमेंट बुक कीजिए, नंबर आपकी स्क्रीन पर है। जैसे कि ईयर एंड हो रहा है, मैं अपनी हर वीडियो में बोल रही हूँ, आज फिर से बोल रही हूँ, जो लोग ईयरली रिपोर्ट बुक करना चाहते हैं, जैसे कि बहुत लोग हमारे साथ सालों से करवा रहे हैं, तो अगर आप करना चाहते हैं तो आप अभी से बुकिंग कर सकते हैं, आगे फिर
वेटिंग हो जाएगी, तो अगर आप चाहे तो बुक कर सकते हो। उसमें 12 मंथ्स की रिपोर्ट होगी, 2025 आपके लिए कैसा रहेगा, डूज एंड डोंट्स विद रेमेडीज, कि आपको अपना ईयर कैसे प्लान करना है फाइनेंशियली हेल्थ वाइज, कि अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो आपके साथ में सॉल्यूशंस भी होंगे और हम आपको एक्सप्लेन भी करेंगे। तो इसके हमारे चार्जेस हैं, तो आप चाहें तो हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, अपनी ईयरली रिपोर्ट बुक कर सकते हैं, नंबर आपकी स्क्रीन पर है। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं पार्ट टू वीडियो पर, बाकी के चार लगना हम उसमें डिस्कस करेंगे, अगले चार लगना। तो आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं पार्ट टू वीडियो पर। बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे। जय माता दी फ्रेंड्स, दोस्तों टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, जय हिंद, जय भारत।